बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के कई जरूरी मसलों पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि पापा पर बहुत उधार था, लोग फोन करके परेशान करते थे। ये किस्सा बताते बताते आमिर इतने भावुक हो गए कि इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि वो वापस लौट कर आए, फिर बताया कि वो बहुत जल्दी रो देते हैं, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं। आगे उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री से लेकर अपने स्टारडम तक की कहानी सुनाई। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ हुई बातचीत में आमिर ने बताया कि वो फिल्मों में कैसे आए। आमिर प्रोड्यूसरों की फैमिली से आते हैं। उनके पिता ताहिर हुसैन की ज्यादा फिल्में तो नहीं चली, मगर कुछ फिल्मों के चलने के बावजूद उनके पास पैसे नहीं होते थे। आमिर ने बताया कि जब वो 10 साल के थे तब उनकी फैमिली बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, क्योंकि उनके पिता ने फिल्में बनाने के लिए लोगों से उधार लिया था, जिसका ब्याज बढ़ता चला जा रहा था। मगर ताहिर लोगों को पैसे वापस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी फिल्में अटकी हुई थी। कभी कोई एक्टर डेट नहीं देता तो कभी कुछ और समस्या। आमिर बताते हैं, अब्बा को देखकर हमें सबसे ज्यादा दुख होता था, क्योंकि वो बड़े साधारण आदमी थे। शायद वो कभी अंदाजा नहीं लगा पाए कि उन्होंने कितना उधार ले लिया है। उनकी कुछ फिल्में चली मगर फिर उनके पास पैसे नहीं होते थे। उनको प्रॉब्लम में देखकर तकलीफ होती थी, क्योंकि उन लोगों के फोन आते थे जिनसे पैसे लिए हैं। उनका झगड़ा शुरू हो जाता था फोन पर कि क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी फिल्म अटकी है, मेरे एक्टर्स को बोलिए डेट्स दे मुझे, मैं क्या करूं। हालांकि आमिर ये भी स्वीकारते हैं कि उनके पापा ने सबका उधार चुकता कर दिया। महेश भट्ट, जो कि पैसे वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, उनके भी पैसे वापस किए गए। आमिर खान इसी बातचीत में आगे बताते हैं कि शायद इसीलिए उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में जाए, मगर आमिर ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पैरानोइया नाम की साइलेंट फिल्म में काम किया। इसके अलावा वो शेखर कपूर को असिस्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके पसंदीदा डायरेक्टर थे। जब शेखर मिस्टर इंडिया बना रहे थे तब आमिर फर्स्ट एडी बनने के लिए उनके पास गए थे। आमिर का काम सतीश कौशिक देख रहे थे, जो कि फिल्म चीफ एडी होने के साथ साथ फिल्म में मिस्टर कैलेंडर का रोल भी कर रहे थे। मगर सतीश कौशिक ने आमिर को फिल्म में काम नहीं दिया, क्योंकि वो कार से आए थे। इंटरव्यू में आगे आमिर खान बताते हैं कि मैं शेखर कपूर से मिलने गया था, क्योंकि वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। मैंने उनको बोला कि मैं उनके असिस्टेंट के तौर पर काम करना चाहता हूं। उस वक्त सतीश कौशिक उनके चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे। मेरी मीटिंग हुई, मैंने अपना पेपर वर्क दिखाया कि मुझे कितना कुछ आता है। वो बहुत इंप्रेस हुए थे पेपर वर्क से, क्योंकि उस टाइम इंडस्ट्री में कोई पेपर वर्क करता ही नहीं था, ना सतीश करता था। बाद में सतीश ने मुझे बताया कि तू जब आया था मुझसे मिलने मीटिंग के लिए तो तू गाड़ी चला के आया था, और मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मुझे लगा कि मैं जिस जूनियर को हायर करूंगा उसके पास गाड़ी होगी। फिर आमिर ने सतीश कौशिक को समझाया। मैंने सतीश को समझाया कि मैं जिंदगी भर बस ट्रेन में घूमा हूं और पैदल गया हूं, वो गाड़ी मेरी नहीं थी, मैं काम से लाया था। किसी को कुछ काम था तो मुझे बोला गया कि गाड़ी लो, जाओ और ये काम करके आओ। तो वो गाड़ी मैं ड्राइवर की तरह चला रहा था, और क्योंकि मैं तुझसे मिल रहा था तो मैं गाड़ी में था, पर मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मुझे मिस्टर इंडिया में असिस्टेंट नहीं लिया यार। आमिर बताते हैं कि वो खुद को एक्टर से बेहतर असिस्टेंट डायरेक्टर मानते हैं। अपनी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक में भी वो एक्टर और एडी दोनों का काम करते थे, और इसके बदले उन्हें महीने के 1000 रुपए मिलते थे। आमिर ने आगे बताया, मंसूर बहुत फाइन डायरेक्टर हैं, कमाल का दिमाग है उनका, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरी ग्रोथ काफी तेजी से हुई। मैं सेट पर सिर्फ एक्टर नहीं था, फर्स्ट एडी भी था। मुझे महीने भर के काम के लिए 1000 रुपए मिलते थे, और उस टाइम वो मेरे लिए काफी थे। आमिर खान बताते हैं कि जब कयामत से कयामत तक बड़ी हिट हो गई तो उनका जीना मुश्किल हो गया था, क्योंकि अब वो कहीं भी आसानी से घूम फिर नहीं पा रहे थे। सड़क से लेकर होटल तक लोग उन्हें घेर लेते थे, मगर वो खुश भी थे क्योंकि उनकी पहली फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। हालांकि उन्हें इस फिल्म में अपना काम पसंद नहीं था, हालांकि वो जूही चावला और मंसूर खान के काम की तारीफ करते नहीं थकते हैं। आमिर खान आखिरी बार लाल सिंह चड्ढा में दिखाई दिए थे। फिलहाल वो कुछ समय के लिए ब्रेक पर हैं। हालांकि इस दौरान वो काजोल की फिल्म सलाम वेंकी में गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं, साथ ही चैंपियन नाम की एक फिल्म प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी श्वेतांक ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।